आईपीएल 2019 में जो है तीन टीम पक्का तौर पे क्वालिफाई करेगी, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, लेकिन जो चौथा स्थान है वो कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से वो कौन सी चौथी टीम है जो कि आईपीएल 2019 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी। लगभग से जो है तीन टीम तो फिक्स है, हम सभी को पता है जिस तरीके से ये तीनों टीम्स खेल रही है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ऐसा देख के लगता है कि ये तीनों टीम जो है पक्का तौर पर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप सभी को जो है क्रिकेट की बात करना पसंद है, आईपीएल की न्यूज जानना है, तो नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको जो है याद से दबा दीजिए। तो एक बार जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन्नई, कोलकाता और मुंबई की। ये तीनों टीम जो है हमेशा से बहुत ही स्ट्रांग टीम रही है और ये तीनों टीम जो है हमेशा से बड़े आसानी के साथ में क्वालिफाई कर जाती है, इसमें जो है कोई भी डाउट की बात नहीं है। लेकिन जो मसला है, जो मेन मुद्दा है, वो है चौथे स्थान को लेकर, यानी कि चौथे स्पॉट पर कौन सी टीम आती है। यहाँ पर जो है आरसीबी का नाम तो बिल्कुल नज़र नहीं आता, क्योंकि आरसीबी की टीम जो है लगातार 6 मुकाबले हार चुकी है, तो ऐसे में जो है उनके क्वालीफाई करने के चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर है। और दोस्तों मेरे हिसाब से देखा जाए यहाँ पे जो है दो टीम्स जो है अभी फिलहाल टक्कर दे रही है, वो है हैदराबाद और पंजाब। दोस्तों हैदराबाद की टीम जो है हालांकि एक अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपने दोनों पिछले मुकाबले हार के उनकी जो बल्लेबाजी की लाइनअप है, मिडल ऑर्डर, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया है। ऐसा देखा गया है कि हैदराबाद की टीम है वो हमेशा से जॉनी ब्रेस्टो और डेविड वार्नर के ऊपर निर्भर कर रही है। जहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी आउट हुए वहाँ पर जो है हैदराबाद के हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों हैदराबाद के लिए अच्छी बात ये है कि जो केन विलियमसन है वो दोस्तों हो चुके हैं फिट और वो जो है अपना अगला मुकाबला खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों ऐसे में जो है मोहम्मद नाबी के बदले में केन विलियमसन की वापसी होगी और वो करेंगे कप्तानी, और ऐसे में जो हैदराबाद की बल्लेबाजी बिल्कुल ही अलग नज़र आएगी और वो जो है बिल्कुल नए रूप में दिखाई देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। तो दोस्तों पंजाब जो है ये साल काफ़ी अच्छा खेल दिखा रही है, हम सभी का दिल जीत रही है, चाहे वो राहुल हो, उसके बाद गेल हो, अश्विन हो, सैम कोरन हो, मोहम्मद शामी हो, और उसके बाद अग्रवाल हो, ये सारे जो खिलाड़ी है ये साल अच्छा खेल दिखा रहे हैं, और जो अश्विन ने कप्तानी की है वो भी काफ़ी अच्छी की है। तो दोस्तों ऐसे में जो है पंजाब का एडवांटेज ये है कि वो जो है अपने होम ग्राउंड में बहुत सारे मैचेस जीतती है और पंजाब के जो है सभी खिलाड़ी फॉर्म में भी है। तो देखने वाली बात होगी कि हैदराबाद और पंजाब के बीच में वो ऐसी कौन सी टीम है जो कि चौथे नंबर के स्पॉट पे आके क्वालिफाई करेगी। आप सभी के हिसाब से वो कौन सी टीम है, हैदराबाद या फिर पंजाब, अपने सभी विचार बताओ नीचे कमेंट करके। यहाँ पर जो है हैदराबाद एक ऐसी टीम है जो कि एक बैलेंस टीम है और पंजाब जो है उसके अंदर बहुत सारे यंगस्टर खिलाड़ी मौजूद है। दोस्तों हालांकि दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम भी मौजूद है, लेकिन जिस तरीके का खेल दिखा रही है रॉयल्स की टीम, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है, उनको जो है लगातार कंटिन्यू मैच जीतना पड़ेगा, तब जो है उनके पॉइंट्स टेबल में कुछ अंक हासिल होंगे। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करने को लेके, जहाँ पे जो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तो फिक्स है, और चौथे स्थान के लिए जो है मैंने आपको बता दिया हैदराबाद और पंजाब, इसमें से कोई एक क्वालिफाई कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।